उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज महाराजगंज जनपद के नौतनवा विधानसभा के अड्डा बाजार में स्थित महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की लगभग 11.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं चेक प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार की विकास की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरे प्रदेश के विकास का संकल्प बीजेपी ने पूरा किया है। पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ था। बीजेपी की सरकार ने पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे, चौड़ी फोर लेन सड़कें, एम्स, खाद कारखाना, मेडिकल कॉलेज, रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार, गांव में सड़कें, प्रधानमंत्री आवास सड़क, विद्यालय का निर्माण, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है। पूर्वांचल का विकास इसलिए हुआ क्योंकि पूर्वांचल अति पिछड़ा रहा है। पहली बार एक जवाबदेही सरकार बनी है जिसने विकास की योजनाओं को पूरा किया है। आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश का विकास का संकल्प बीजेपी ने पूरा किया है और पूर्वांचल में ज़्यादा विकास की बात इसलिए आप सब कर रहे हो क्योंकि पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ था। इस पूर्वांचल में किसी ने सोचा था कि एक्सप्रेसवे होगा, किसी ने सोचा था कि चौड़े चौड़े फोर लेन होंगे, किसी ने सोचा था कि एम्स और मेडिकल कॉलेज होंगे, किसी ने सोचा था कि ये रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार होगा। आज सब तरफ गाँव-गाँव में शौचालय का निर्माण, गाँव-गाँव में पता चला कि प्रधानमंत्री आवासों को देने का, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण, तमाम 250 विद्यालयों का निर्माण, जो इंटर कॉलेज हैं 77, डिग्री कॉलेज का निर्माण, 12 विश्वविद्यालय, ये पूरे प्रदेश में इसका हुआ है। और पूर्वांचल लाभान्वित ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि पूर्वांचल अति पिछड़ा रहा है और पहली बार एक जवाबदेही सरकार बनी है जिसने इसको भरपूर किया है। आप देख रहे हैं जनता का जो सैलाब, ये केवल 1.5-2 दिन के अंदर सूचना में ये आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, इस बात का प्रतीक है कि लोगों का आकर्षण सहज भाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ा है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों को बांटकर वो सत्ता पे काबिज होने का जो सपना देख रहे हैं वो उनका सपना चूर होगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।